नायडू खेला करने को तैयार। संकट में क्या मोदी सरकार, क्या इंडिया में डिमांडों का खेल, क्या गठबंधन हुआ है बेमेल। बीते महीने गठबंधन बनने के बाद एनडीए जैसे तैसे एक महीना पूरा कर चुकी है। सरकार बनने के बाद से कैमरे पर ऐसे लगता है जैसा गठबंधन के नेता मोदी को ही सब कुछ मान बैठे हों। लेकिन सवाल है कि कैमरे पर दिखने वाला ये विजुअल क्या सच होता है या फिर महज दिखावा? क्योंकि हाल ही में दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, जो खुद हाल ही में आंध्र प्रदेश की सत्ता पर विराजमान हुए मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने मोदी सरकार के मंत्रियों के हाथों लंबी चौड़ी लिस्ट थमाई है। सूत्रों की माने तो खुद प्रधानमंत्री मोदी से भी छोटी सी मुलाकात के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी डिमांडें कर डाली हैं, जिससे वो राज्य पर आए भारी भरकम बोझ को हल्का कर सके। सूत्रों की माने तो नायडू ने बताया कि आंध्र पर 13 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसे उतारना मौजूदा सरकार के बस की बात नहीं लग रही। इस भारी भरकम कर्ज को लेने के बावजूद पूर्व सीएम राज्य के डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं कर पाए। नायडू ने इसके साथ ही कहा है कि वे अमरावती को राजधानी के तौर पर मौजूदा विकसित शहरों की तरह डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए अगर केंद्र का सहयोग मिल जाएगा तो ये काम तेजी से पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य में कई योजनाओं के लिए लंबी चौड़ी डिमांड की है। वहीं नायडू से मिलने के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुलाकात हुई है और हम सभी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए संभव मदद जरूर करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज शिष्टाचार भेंट के लिए आए थे और कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। श्री चंद्रबाबू नायडू जी एक प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर हैं, विजनरी लीडर हैं। आंध्र प्रदेश के विकास में हम हर संभव सहयोग करेंगे। सूत्रों की माने तो इतना ही नहीं, हर मंत्रालयों से राज्य के लिए भारी भरकम बजट देने के लिए अनुरोध किया गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि आंध्र प्रदेश के लिए नायडू विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते हैं, लेकिन बिहार भी लंबी लाइन लगाकर खड़ा है। नायडू को पता है कि वो मिलना नामुमकिन जैसा है, लिहाजा उन्होंने बुंदेलखंड की तर्ज पर स्पेशल पैकेज मांग लिया। लेकिन सवाल है कि क्या इसी शुरुआत से मान लिया जाए कि गठबंधन सरकार में खींचतान और ख्वाहिशों की लिस्ट आनी शुरू हो चुकी है। क्या अब ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में सिर्फ नायडू की नहीं नीतीश की भी नजरें ऐसी ही होंगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्र के लिए यह करना कितनी मुश्किल होगा, जबकि केंद्र के लिए और भी राज्य पहले से लाइन लगाकर खड़े हैं। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार केंद्र में रह पाएगी या फिर नहीं। हालांकि इस खबर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।